दोस्तों आज शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम होती है आपकी राइट ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड। पाइथागोरस थ्योरम कहती है, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ पहले तो। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, वो उसके बेस के स्क्वायर और उसके परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अदर टू साइड्स बेस और परपेंडिकुलर ही तो हो गए। देखिए ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल के सामने आपका हाइपोटेन्यूज होता है और बेस वो होता है जो ज़मीन से टिका होता है और ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर होता है। तो राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये जो बाकी की दो साइड्स हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसको आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो बनानी होगी इसमें आपको फिगर, और फिगर आप ध्यान रखना कि 90 डिग्री का एंगल आप जो है अपने इस तरह से फिगर बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ। इसमें ये पर्पस रखना कि आप 90 के एंगल को ऊपर की तरफ बनाना। ये मैंने ऊपर 90 का एंगल बनाया है, ये चीज फिगर का नाम रख देते हैं एबीसी। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, एंगल बी के ऊपर 90 डिग्री है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन में आप लिखेंगे राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंदर इन विच एंगल बी इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री है। अब इसके अंदर आपको प्रूफ क्या करना है वो टू प्रूफ में लिखेंगे। देखिए प्रूफ ये करना है, 90 डिग्री के सामने होता है आपका हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है अपनी बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो बाकी की दो साइड हो गई आपकी ए बी और बी सी, तो ये आपको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम के बराबर प्रूफ करना है। अब इसमें आपको सवाल शुरू करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जो आपका 90 डिग्री ऊपर है यहां से आपको अपने हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना होगा। ये मैंने बी से डाल दिया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के ऊपर, इसका कुछ नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल डी। कंस्ट्रक्शन को लैंग्वेज में लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ बी डी या फ्रॉम बी ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी के ऊपर अब यहां से प्रूफ स्टार्ट है। देखिए इस क्वेश्चन की मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूं। इसके अंदर आपको देखिए तीन ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, एक तो दिख रहा है आपको ए डी बी ये छोटा वाला ट्रायंगल, एक दिख रहा है आपको बी डी सी ये इससे बड़ा वाला ट्रायंगल, और एक ये पूरा का पूरा ए बी सी। ये तीन ट्रायंगल्स हैं इस फिगर के अंदर। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस तरह से है कि पहले तो आप अपने छोटे वाले ट्रायंगल को पूरे वाले बड़े के सिमिलर प्रूफ करेंगे नंबर वन, फिर आप ये जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है बी डी सी इसको पूरे ए बी सी के बराबर सिमिलर प्रूफ करेंगे, और इन दो चीजों से आपके दो रिजल्ट आएंगे और फिर उससे आगे ये सम चलेगा। तो सबसे पहले लेते हैं अपना ट्रायंगल, ये वाला लेते हैं छोटे वाला ए डी बी एंड ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला ए बी सी। देखिए नाम का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब मैंने छोटे वाले को इस तरह से लिया है ए फिर 90 डिग्री का एंगल और फिर मेरी ये थर्ड वाली वर्टेक्स,
तो उसके अकॉर्डिंगली ए बी सी लिखा जाएगा, क्योंकि ए तो इन दोनों में कॉमन है और यहाँ पे डी 90 डिग्री और यहाँ पे बी 90 डिग्री है, तो ये बीच में आ गया और तीसरी तो ऑटोमेटिक अपने आप आई जाएगी। अब इन दो को करना है पहले सिमिलर प्रूफ, तो इन दोनों के अंदर आपको दिख रहा होगा एंगल ए आपका ए डी बी में भी आ रहा है और एंगल ए आपका ए बी सी में भी आ रहा है, तो दोनों में आपका एंगल ए बराबर आ गया, और रीजन क्योंकि ये कॉमन है। अब एक एंगल आ गया आपका ए और दूसरा देखिए आपके ए डी बी के अंदर एंगल डी ये 90 डिग्री और ए बी सी के अंदर एंगल बी ये भी 90 डिग्री, तो इसका एंगल डी इसका एंगल बी ये दोनों क्योंकि 90 डिग्री के हैं, तो आपको दो एंगल मिल गए आपके दो ट्राइंगलों में, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से आपके ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। देयर फोर ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब इसके बाद क्या करना है, पहले रीजन लिख देते हैं, ए ए सिमिलैरिटी क्रिटेरियन। अब यहां पे आपको ये याद रखना कि देखिए हमारा पर्पस होता है एक बार ए बी का स्क्वायर बनाना एक बार बी सी का स्क्वायर बनाना। अपने यहाँ राइट साइड में देखें आप ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो जो फर्स्ट आपने ट्राइंगल लिया है ना जिसके अंदर आपकी ए बी साइड है छोटे वाले में, यहां से आपका ए बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो आपको जानबूझ के कुछ इस तरह की रेशियोज रखनी है ताकि आपका ए बी इंटू ए बी आ जाए। अब इस ट्राइंगल के अंदर आपका आपको ए बी यहां पे रखना, आप इस तरह से पहले आप लिखना अपॉन में ए बी। अब ए बी इसका है ना, तो इसके ए बी के कोरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में आपका क्या हो जाएगा, ए डी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, और फिर दूसरे वाले में आप ए बी को ऊपर रखना, यानी ए बी जो है ये इस बार ये फर्स्ट वाले का है, तो ए बी, तो इसके हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आ गया, ए सी, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड है तो ये फर्स्ट और थर्ड, तो ये ए सी। इस तरह से आपको पेयरिंग करनी है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए बी इंटू ए बी हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, और यहां पे ए डी इंटू ए सी, इस रिजल्ट को रखेंगे आप नंबर 1। अब जिस तरह से छोटे वाले ट्राइंगल और पूरे बड़े में किया है इसी तरह से आपको अपने दूसरे वाले ट्राइंगल यानी कि बी डी सी और पूरा ए बी सी को लेना है, तो मैं यहां पे करता हूं। देखिए ये फर्स्ट है, फर्स्ट पोर्शन क्वेश्चन का, यहां से सेकंड पोर्शन शुरू होगा। अब मुझे लेना है अपना ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी और अपना पूरा ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, यहां भी मैंने कॉरेस्पॉन्डिंगली लिख दिया है नाम कि देखिए बी डी सी, सी और सी तो दोनों में कॉमन है और डी यहां पे 90 और बी यहां पे 90 है, तो नाम मैंने ठीक लिखा है। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करते हैं। देखिए इसमें डी आपका छोटे वाले में, बी डी सी के अंदर डी 90 है और पूरे ए बी सी के अंदर आपका बी 90 है, तो पहले तो ये लिख लेते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन ईच 90 डिग्री, और बी डी सी के अंदर आपका एंगल सी है और ए बी सी के अंदर आपका एंगल सी है, ये सी एंगल आपका दोनों में कॉमन है, तो एक एंगल ये आ गया, तो दो एंगल आ गए, तो ये आपके ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, रीजन ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अच्छा अब यहां से आपको मैंने बताया ना कि फर्स्ट वाले में आपने ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, अब आप निकालेंगे बी सी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से रेशियो को लिखेंगे कि फर्स्ट में बी सी नीचे आ जाए और सेकंड वाले में बी सी आपका ऊपर आ जाए, तो बी सी और बी सी स्क्वायर हो जाएंगे और यहां पे कोई वैल्यू आएगी। अब देखिए जब मैंने फर्स्ट रेशियो को
नीचे बी सी लिखा हो, तो नीचे का मतलब है ये दूसरे ट्राइंगल की है, यानी ये है बी सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरी यहाँ कौन सी साइड होगी, डी सी, क्योंकि यहाँ बी सी यानी सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, तो यहाँ डी सी आएगा। अब सेकंड रेशियो में ये जो बी सी है ऊपर, ये मेरा फर्स्ट ट्राइंगल का है, यानी फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस, यानी यहाँ पे ए सी आएगा इसके नीचे। इस तरह से आपको इसे मेमोराइज करना है। चलिए अब यहाँ से बी सी की वैल्यू आएगी, बी सी को बी सी से किया, बी सी स्क्वायर आ गया, और इन दोनों को जब किया तो ये आ गया आपका डी सी इंटू ए सी, ये रिजल्ट नंबर आपका 2। अब ये जब ये दो रिजल्ट आ जाएंगे तो आपको इन्हें ऐड करना है और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब करना है आपको एडिंग 1 एंड 2, ये क्वेश्चन का मेरा थर्ड पोर्शन है। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं, देखिए फर्स्ट में आपका है ए बी स्क्वायर, अब लेफ्ट वाला तो लेफ्ट में जुड़ेगा, तो यानी ए बी स्क्वायर के अंदर जुड़ेगा इस वाला लेफ्ट, ये है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट वाले आपके राइट साइड में जुड़ेंगे, तो ए डी इंटू ए सी में प्लस होगा आपका ये वाला डी सी इंटू ए सी, तो लेफ्ट में तो कुछ हो नहीं रहा, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे इन दोनों में आप ध्यान से देखेंगे, दो टर्म है आपकी, दोनों में ए सी कॉमन है, तो ए सी को बाहर ले लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में से बच गया आपका ए डी, यहाँ प्लस और यहाँ पे डी सी। नेक्स्ट स्टेप में ए सी एज इट इज लिख दिया, और ए डी प्लस डी सी को अपनी फिगर में देखिए आप, ये देख आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी पूरा ए सी बन गया, तो इसकी जगह मैं पूरा ए सी लिख सकता हूँ, और यहाँ ए सी इंटू ए सी ये हो गया आपका ए सी का स्क्वायर, और ये चीज़ किसके बराबर है आपकी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए आपको प्रूफ करना था कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ भी यही आ गया आपका, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आप इसे फाइनल ऐसे लिख सकते हैं, 10 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होगी आपकी थ्योरम प्रूफ, ये रिजल्ट। तो ये तो थी पाइथागोरस थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में। अब करते हैं इसका कन्वर्स, कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स कहता है, ये मैं कर रहा हूं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में तो ये था कि आपको ये गिवन था कि ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और एच का स्क्वायर होता है आपका बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम। अब कन्वर्स में क्या होगा कि ये चीज़ तो हो जाएगी आपकी गिवन, यानी ये जो रिजल्ट है ना, ये तो हो जाएगा आपका गिवन, और आपको टू प्रूव करना होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो यही तो इसका उल्टा हो गया। तो अब कन्वर्स इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं कन्वर्स की लैंग्वेज पढ़ता हूँ बुक से। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यही तो कह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी वन साइड का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है अगर, देन द एंगल अपोजिट टू द साइड इज अ राइट एंगल, तो फिर वो जो एंगल होगा ना उसके सामने, किसके सामने, जो हमारी साइड है पहली वाली, इसके सामने जो एंगल होगा ना वो आपका 90 डिग्री होगा, ये कन्वर्स है।
तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। अब सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी, उसके अंदर अपना गिवन लिखेंगे। ये मैंने ट्रायंगल बनाया एबीसी, और गिवन इसमें क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना, ये चीज़ आपकी गिवन हो जाएगी, ये जो रिजल्ट है, तो फिगर के हिसाब से गिवन हो जाएगा ये। राइट, यहाँ पे मैं अभी मैंने प्रूफ नहीं किया है कि ये 90 डिग्री है, ये तो हमें प्रूफ करना है, बस जस्ट निशान लगा दिया है। हमें ये दे रखा है कि अगर ए सी का स्क्वायर बराबर है आपके ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, तो प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बी है यानी ए सी के सामने जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री होगा। तो टू प्रूव है कि एंगल बी होगा आपका 90 डिग्री, तो ये फिगर बनाई, यहां से अपना गिवन और टू प्रूव लिखा। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन में एक इसी तरह का एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको, एक ट्रायंगल बनाएंगे इसी तरह का। इसका नाम लिख लेंगे DEF, और जो DEF होगा ना वो आपका इस तरह का ट्रायंगल होगा कि उसमें जो DE साइड होगी वो आपके AB के बराबर होगी, जो उसकी EF साइड होगी वो आपके BC के बराबर होगी, और अपने जो कंस्ट्रक्शन वाला ट्रायंगल है इसमें E आपको दिया होगा कि ये 90 डिग्री का है, ये अभी दिया नहीं है, ये तो हमें टू प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF सच दैट इसका DE इसके AB के बराबर हो, इसका EF इसके BC के बराबर हो, एंड इसमें जो एंगल E है आपका वो आपका 90 डिग्री हो। तो इस तरह से ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब चलते हैं प्रूफ पे। देखिए, प्रूफ के लिए हम लेंगे, यहां से उठाएंगे अपने सवाल को, जो DEF है ना, अब क्योंकि DEF इज अ राइट ट्रायंगल, हमने 90 डिग्री दे रखा है ना, ये तो 90 डिग्री का क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से अपना सवाल उठाएंगे और पहले लिखेंगे सिंस ट्राइंगल DEF इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, विद राइट एंगल एट ई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल आपका ई के ऊपर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर ये हो जाएगा कि DF का जो स्क्वायर है ना वो DE के स्क्वायर प्लस EF के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, वो लिखेंगे हम यहाँ पे। देयरफॉर बाय पाइथागोरस तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा DF का स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि DF को तो आप ऐसे ही रखें, और ये जो DE और EF है इनकी जगह अब आपने ये वैल्यूज पुट कर ले जो आपने कंस्ट्रक्शन में लिए हैं। DE को आपने किसके बराबर लिया, AB के ना, तो DE की जगह आप AB लिख लें, और EF को लिया है आपने BC के बराबर, यहां पे आप BC लिख लें इस तरह से। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपने गिवन में देखिए किसके बराबर है, आपका जो शुरू में आपने ट्रायंगल लिया था उसमें जो आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर था वो किसके बराबर था, ए सी स्क्वायर के बराबर। तो यहां इन दोनों की जगह आप लिख लें ए सी स्क्वायर,
और ये इधर तो है ही डी एफ स्क्वायर। अब जब डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, यानी किन्हीं दो चीज़ों का जो स्क्वायर है वो आपस में बराबर है, तो उनके जो ओरिजिनल्स है वो भी बराबर होंगे, यानी डी एफ जो है वो ए सी के बराबर होगा। इनके स्क्वायर बराबर है ना, तो इनके जो ओरिजिनल नंबर है वो भी बराबर होंगे, तो डी एफ आपका ए सी के बराबर हो गया। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि इसका ये डी एफ इसके ए सी के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे कि हमें इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारी तीनों साइडें आपस में लेंथ में बराबर प्रूफ हो गई, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अब आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे तो इनके सी पी सी टी से ये एंगल तो 90 दे ही रखा है, ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू है। अब आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इनके अंदर देखिए कौन कौन बराबर है। इसका ए बी इसके डी ई के बराबर है, इसका बी सी इसके ई एफ के बराबर है, और इसका ए सी आपके डी एफ के बराबर है। तो जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स की तीनों साइडें आपस में बराबर हो जाती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू, कॉन्ग्रेंट का ये निशान होता है, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। और कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है साइज और शेप बिल्कुल एग्जैक्ट, शेप भी ऐसी ही हो और साइज भी बिल्कुल वैसी ही हो। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपका जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर होगा। कॉन्ग्रेंट होने के बाद जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सारे आपस में बराबर हो जाते हैं। अब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो आपका एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा, एंगल सी आपका एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। हमें औरों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने बी और ई से मतलब है, या सिर्फ कहें कि बी से मतलब है। तो बी हमारा ई के बराबर हो जाएगा, और ई हमारा कितना है, ई हमने कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री लिया था, तो यहाँ 90 लिख देंगे। ये आ गया रिजल्ट, हमें बी ही तो 90 प्रूफ करना था, हो गया बी 90 प्रूफ। लास्ट में आंसर लिख देंगे, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे एंगल बी आपका 90 डिग्री है। ये था पाइथागोरस का कन्वर्स। तो इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड आपकी अगली एक्सरसाइज है, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये दोनों थ्योरम्स बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।